व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम अर्दा खान, आप देख रहे हैं टेकवॉक्स। ये है Realme 10 Pro Plus, लेकिन आज हम बताने वाले हैं आपको पांच हिडन फीचर्स जो Realme UI 5.0 में एक्टिविटी लॉन्चर के अंदर में मिलता है। और एक्टिविटी लॉन्चर ये है, आप लोगों को भी पता, हमें पता है, तो चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं। लेकिन एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया ये जो 5G है ये कंटिन्यू नहीं रहता, 4G पे चल जाता। तो देखिए क्या करना है आपको, आपको नेटवर्क में इस तरह से दाब के रखना है। नेटवर्क में आ जाएंगे या मोर सेटिंग में जाएंगे तो ये जो स्मार्ट 5G है ना, इसको ऑफ कर दीजिए। ऑफ करेंगे तो क्या रहेगा, कंटिन्यू 5G में रहेगा, 4G में नहीं जाएगा, तो इस तरह का कुछ है। तो चलिए इसको कर लीजिएगा। हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको एक्टिविटी लॉन्चर में क्या है। सपोज डैट कि ये जो फ़ोन है आपका एडेप्टिव रिफ्रेश रेट पीक ब्राइटनेस पे नहीं जा रहा है, और पीक ब्राइटनेस पे नहीं जा रहा है तो आपको कैसे पीक ब्राइटनेस में करना है, उसका एक ऑप्शन होता है जो एक्टिविटी लॉन्चर के अंदर है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो उसमें क्या है कि आप जैसे ही करेंगे तो आपका चल जाएगा। तो देखिए इस तरह से एक्टिविटी लॉन्चर खुल गया, आपको जाना है इसके सेटिंग में, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग का एक मिलेगा, इस तरह से जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सेटिंग मिलेगा। सेटिंग में यहाँ पर आपको जाना होगा एकदम, यहाँ पर देखिए ये जो एंड्रॉयड टैब का बना है ना, इसमें नहीं, इसको हटा कर देखिए इसमें जाना है, ठीक है, ये वाला चीज़ है। तो यहाँ पर एडेप्टिव ब्राइटनेस आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पर एडेप्टिव ब्राइटनेस दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे जैसे, तो देखिए ये वाला जो है ऑप्शन देखिएगा, ये ऑफ है या ऑन है, इसको ऑन रहना जरूरी है। ये अगर ऑन रहेगा तो एकदम जो है पीक ब्राइटनेस पे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। कहाँ मिलेगा आप लोगों को, हमने बता दिया एडेप्टिव ब्राइटनेस। नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, यहीं पर मिलेगा आपको। क्या करना है कि आपको चेक करना है कि भैया आपका स्टोरेज कितना लिया है, कितना नहीं लिया है, कौन सा फाइल कितना ले रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको जाना है ऐप यूजेस में। देखिए ये वाला मिलेगा ऐप यूजेस, इसमें जैसे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा फाइल कितना GB डेटा आपके रैम का ले रहा है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि भैया सही में मेरा रैम कहाँ भरे जा रहा है। जैसे आप ऐसे करते हैं तो यहाँ पर दिखाता ना नीचे में, जैसे 781 MB खाली दिखा रहा है 6 GB में, और आपने कुछ खोला नहीं है, तो कैसे ये दिखाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐप यूजेस में आएंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन ऐप कितना कितना जगह ले रहा है। तो अगर आपका कोई ऐसा ऐप है जो मतलब नहीं ऑन रहना चाहिए और यहाँ पर ऑन है, ठीक है ना, तो उसको आप बंद कर सकते हैं, यहाँ से फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भैया मुझे नहीं यूज़ करना है, जैसे इंस्टाग्राम या ईजो या फिर फोटो, ठीक है, ये सब सारा चीज़ जो है, जैसे वेयर इज़ माई ट्रेन, अभी हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम स्टॉप करेंगे तो रैम से क्लियर हो जाएगा। तो 2 MB का जो जगह, 123 MB का जो जगह लिया हुआ है, 2.3 MB का जगह, वो क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा जगह लिया हुआ है, अब एंड्रॉयड को मत कर दीजिएगा वरना फ़ोन रिस्टार्ट ले लेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए गूगल है, इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 181 MB लिया हुआ है, 80 MB लिया हुआ है, तो इस तरह का कुछ है। तो इसको आप जाइए चेक करिए और बताइए आपका कौन सा कितना जगह लिया है। चलिए बात करते हैं, कुछ ऐसे ऐप है जो आप कभी यूज़ नहीं कर रहे लेकिन फ़ोन में पड़ा हुआ और आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा ऐसा ऐप है जो यूज़ नहीं किए हुए, तो उसको चेक करने का देखिए ऐप यूजेस के नीचे में ऐप्स है, इसमें जैसे ही जाएंगे आप यहाँ पर तो देखिए अनयूज्ड ऐप यहाँ पर दिखेगा, जिसमें 2 ऐप जो है अनयूज्ड है, जिसमें से रोमिंग और कंपास ये दिख रहा है, तो इसको डिलीट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम डिलीट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप अनयूज्ड ऐप को यू देख सकते हैं और उसको हटा सकते हैं। चलिए बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोटेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्मार्ट रोटेशन चाहिए, मतलब मेरा फेस जिधर है उधर हिसाब से रोटेट हो। तो देखिए उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए ऑटो रोटेट स्क्रीन, इस पर जैसे जाएंगे तो एक स्मार्ट रोटेशन दिखेगा, इसको ऑन कर देंगे तो ये जो है आप जैसे रातों में सो रहे हैं, फ़ोन सीधा है तो अपने आप स्क्रीन को वो टिल्ड कर देगा आपके हेड के हिसाब से। लेकिन इसमें बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होगा, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ये यूज़ करेगा और पता करेगा कि भैया आपका हेड कैसा है, उसी हिसाब से ये दिखाएगा। तो ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में वर्क करेगा। किसी किसी फ़ोन में ये वर्क कर रहा है, 11 प्रो वगैरह में वर्क कर रहा है, तो चेक कर लीजिएगा और बताइएगा आपका वर्क किया या नहीं। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट कंट्रोल। तो देखिए कंट्रोल क्या है, जैसे कैमरा, माइक, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी में हम जाकर देख सकते थे Realme UI 5.0 में, लेकिन यहाँ पर एक फीचर्स आया है कंट्रोल करके, आपको दिखा देते हैं वो कहाँ पर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे अगर कंट्रोल, तो यहाँ पर कंट्रोल, इसमें जैसे जाएंगे तो हमें कैमरा, माइक्रोफोन और अलर्ट, मतलब क्लिप बोर्ड वगैरह जो है, अगर हम यहाँ से बंद कर देंगे तो ज़िंदगी में किसी का माइक का लाल नहीं है जो मतलब इस फ़ोन को यहाँ पर बिना घुसे ऑन कर सके, तो इस तरह का कुछ है। तो ये चीज़ को आप देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा।
चलिए बात करते हैं अब आपको डिस्प्ले का साइज़ और फॉन्ट को एक साथ बढ़ाना और एक हिसाब से बढ़ाना, तो उसको भी आप कर सकते हैं। आपको जाना है डिस्प्ले साइज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर से डिस्प्ले साइज़ में हमें जाना है, तो यहाँ पर से डिस्प्ले ब्राइटनेस डिस्प्ले, देखिए डिस्प्ले साइज़ यहाँ पर मिल गया, इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले साइज़ एंड टेक्स्ट इसमें जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर से हम टेक्स्ट को भी बोल्ड कर सकते हैं और मतलब ज़्यादा बोल्ड कर सकते हैं, कम बोल्ड कर सकते हैं, और साइज़ वगैरह को इंक्रीज डिक्रीज वगैरह कर सकते हैं अपने हिसाब से, हमको जैसा चाहिए वैसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको बोल्ड करना है, देखिए इस हिसाब से बोल्ड होगा, हाई कॉन्ट्रास्ट में करना है, हाई कॉन्ट्रास्ट में होगा, तो इस तरह का आप यहाँ पर से देख सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि हम यहाँ पर ब्राइटनेस को कम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अंधेरे में हमें एक्स्ट्रा डार्क चाहिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा डार्क थीम यहाँ पर दिया गया है। देखिए एक्स्ट्रा डिम ये वाला फीचर्स में जाएंगे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम अगर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, और इसके इंटेंसिविटी को हम और भी ज़्यादा घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इसको शॉर्टकट भी बना के रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आप यूज़ करके देखिए, एक्स्ट्रा डिम काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। यही कुछ फीचर्स हुए जो एक्टिविटी लॉन्चर में मुझे अभी तक मिला है, जो मैं आपको बता दिया हूँ रियलमी यूआई 5.0 में। होप इस तरह का हिडन फीचर्स के लिए आप भी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कोई भी सवाल कमेंट में पूछिए, और आपकी क्या राय है भैया इस वॉलपेपर के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।